हो रहा है उसके लिए। अगर वो 12th क्लास में है, उन्होंने पहले से ही कोई सब्जेक्ट ले लिया है, लेकिन अभी भी 10th के बाद में जितने भी कैंडिडेट्स इस क्षेत्र से, इस अंदर ऊपर से निकले, तो उनके पास में पर्टिकुलर गाइडेंस हो कि वो 12th के बाद में, 10th के बाद में, ग्रेजुएशन के बाद में क्या क्या कर सकते हैं, बाद में ग्रेजुएशन के बाद में क्या क्या कर सकते हैं, और वो जो भी चीज करें उसके अंदर क्या क्या आगे प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम की अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल के अंदर ये जो सेशन है, ये पर्टिकुलरली 11th क्लास, आज उम्मत फाउंडेशन के अंडर में यहाँ पर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया, उसका टॉपिक था, वो बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच का था, तो बच्चों को यहाँ पर एक मोटिवेशनल सेमिनार दिया गया। उसके अंदर मेरी कोशिश ये रही कि बच्चा अपने करियर को लेकर के सीरियस हो जाए, थोड़ा सिंसियर हो जाए, और उसके लिए मैंने उनको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देके मोटिवेट करने की कोशिश करी। उन बच्चों के एग्जांपल जो अभी आईबर्ड कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, और इसी के साथ ही साथ जो आईबर्ड के बाहर, अजमेर के बाहर दूसरी और कंपनीज के अंदर काफ़ी अच्छी पोजीशन के ऊपर है, वो बच्चे इन्हीं के बीच के, अपने ही बीच के थे, लेकिन उन्होंने अपने किस तरह से करियर को बनाया, उसके लिए उन्होंने क्या क्या हार्डवर्क किया, किस तरह की स्ट्रेटेजीज अपनाई, वो सारे मैंने एग्जांपल दे दे करके बच्चों को आज मोटिवेशन करने की कोशिश करी। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मैं कामयाब भी रहा, क्योंकि बात के अंदर जो बच्चों का एक फीडबैक आया, वो काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक आए हैं सभी बच्चों के, और इंशाल्लाह ताला बच्चे जो है वो इसके अंदर अपने करियर के लिए थोड़े सिंसियर हो जाएंगे। मेरा नाम सैयद जाकिर हसन है, और मैं आईबर्ड सॉफ्टवेयर कंपनी में अभी एज ए सेल्स फोर्स कंसल्टेंट अपॉइंटेड हूँ।